जिनमें यह 8 लक्षण है उन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द में रहते हैं कि जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको लगता है कि वो मतलब उनके ऊपर हम ट्रस्ट डाल ही सकते नहीं है। पता नहीं क्या लगता है हमको कि भाई नहीं, ये उनका मतलब हम विश्वास नहीं, कोई भी चीज के बारे में, पैसे के बारे में बोलो, काम के बारे में बोलो, और उनके साथ में काम करना भी अपने लिए फिर धीरे धीरे असंभव हो जाता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनके ऐसे कौन से लक्षण है रादर उनके कि वो लोगों के ऊपर हम ट्रस्ट विश्वास नहीं कर सकते। तो नंबर एक, ये लोग प्रॉमिस अपना वचन जो है वो ब्रेक करते रहते हैं, और फिर वो ब्रेक करेंगे और मतलब उसके बारे में बोलेंगे भी नहीं कि मैंने वो ब्रेक किया हुआ है करके, और बार बार वो अपना प्रॉमिस ब्रेक करेंगे, तो फिर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। नंबर दो, ये आपसे चीजें छुपाएंगे, मतलब कभी झूठ भी बोलेंगे या आपसे वो चीज छुपाएंगे। कुछ नुकसान हुआ है तो बोलने देंगे, छुपा देंगे कि कुछ नुकसान हुआ है, या कोई किसने कुछ बोला है वो छुपा देंगे। मतलब ये आपको आपके साथ में वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे और कुछ ना कुछ वो हाइड करते जाएंगे। फिर आपको बाद में मालूम पड़ता है कि अरे इन्होंने चीज छुपाई थी, बताई नहीं। फिर आप गुस्सा करते हैं या फिर बोलते रहे ऐसा कैसा हो गया, नहीं नहीं मैं भूल गया, ऐसा कुछ बोलेंगे। फिर तीसरा है कि ये खुद लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको अपने बारे में, खुद के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं रहती, कंफ्यूजन है, और उनको लगता है कि भाई मतलब मैं कौन हूं, करना क्या है एग्जैक्टली, अपने गोल्स क्या है, अपने को डिसीजन कौन सा लेना है, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, कभी ये डिसीजन कभी वो डिसीजन, कभी आगे कभी पीछे, मतलब ऐसा कंफ्यूज रहते रहते हैं। चौथा, ये लोग अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, मतलब कब क्या बोलेंगे। एक चीज के लिए एक बार कभी हाँ बोलेंगे और वही चीज के लिए कभी दूसरे बार ना बोलेंगे, टोटल अनप्रेडिक्टेबल, मनमौज बोलते उसको, मतलब जो मन में आया वैसा करेंगे, उसको कोई लॉजिक नहीं, रीजंस नहीं, रीजनेबलनेस नहीं है, मनमौजीपना। तो ये चौथा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पांचवा है कि ये लोग निगेटिव रिएक्शन देते रहते हैं, और कुछ भी बोला तभी बहुत निगेटिवली बात करेंगे और निगेटिव रिएक्ट करेंगे। आप कुछ भी उनके सामने प्रस्ताव रखो, नहीं बोलेंगे पहले, और फिर वो उसका समर्थन भी करेंगे, फिर लगे तो फिर हाँ बोलेंगे बाद में हो सकता है, और नहीं तो फिर पहले ना ही बोल देंगे कि नहीं होता, नहीं जमता, और ये तो होने वाला है नहीं, ऐसा वो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनमें रहती है। छठवा, इनमें ज़्यादा जीलसी रहती है, ईर्ष्या रहती है, ये छोटी छोटी बात के ऊपर ईर्ष्या करेंगे आपके साथ में, लोगों के साथ में, जिलस मतलब मुझे नहीं मिला तो चलता है, उसको भी नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो जिलस हो जाती है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा नहीं हुआ तो चलता हूं, तो ईर्ष्या जिलस ही बहुत रहती है। सातवां, इनके साथ में इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, उनको इनसिक्योरिटी असुरक्षितता, उनको लगता है कि नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, कोई कुछ मुझे कुछ कर देगा, कोई कुछ बोल देगा, मतलब दे आर ऑलवेज टेंस, मतलब वो हरदम टेंस रहते हैं, एंक्शस रहते हैं, नर्वस रहते हैं, और इनसिक्योर रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं। नंबर आठ, उनका व्यक्तिमत्व एक भिन्न व्यक्तिमत्व रहता है, मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यक्तिमत्व। आपको लगता है कि कहीं तो भी कुछ तो भी मिसिंग है, क्या मिसिंग है आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा सेटल कुछ दिखता नहीं है, मगर ऐसा रहता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यक्तिमत्व रहता है, और ना हम पकड़ सकते हैं ना हम उसको कुछ लेबल लगा सकते हैं कि भाई ये पागल है क्या, ये कुछ मेंटल है क्या, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल भी लगता नहीं कभी कभी, ऐसा भी है, तो ये ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो ये आठ, यदि उनके पास में ये लक्षण है, समझ जाना कि ये लोग ट्रस्टेड नहीं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनके साथ में काम नहीं कर सकते, इनके साथ में आगे नहीं जा सकते, आप उनको पार्टनर नहीं अपने बना सकते, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, जैसा भी हो, तो ये आपने कभी भी ध्यान देना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। आपको कुछ सवाल होंगे तो जरूर ऑनलाइन कंसल्टेशन करो, हमारे जो कोचेस है, काउंसिलर्स है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।